हाय दोस्तों, मेरा नाम आसिम अख्तर है और मैं इस वीडियो में आपको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसको हम सोल बोर्ड कहते हैं और सोल बोर्ड जो हमारा होता है ये बहुत ही जरूरी होता है ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से। अगर मिट्टी वाली जमीन है तो वहाँ सोल बोर्ड जरूर यूज करेंगे, और या बालू वाला जमीन है वहां भी सोल बोर्ड यूज करते हैं। सोल बोर्ड के ऊपर हम स्क्रू जैक यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रू जो एक हमेशा टू थर्ड यूज होता है, इसको लेजर बोलते हैं, और दूसरे वाले को ये स्टैंडर्ड। लेजर और स्टैंडर्ड से ही हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर स्क्रू जैक, लेजर और स्टैंडर्ड ऐसे स्क्वायर में हम रख देंगे, उसके बाद अपना जॉब शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इजीली दो स्टैंडर्ड को खड़ा करके और लेजर को लगा दिया गया। याद रहे दोनों स्टैंडर्ड को कंटिन्यू होल्ड करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये फॉल हो सकता है, गिर सकता है। तो इसी तरह हम दोनों स्टैंडर्ड को पकड़ के हम तीसरा स्टैंडर्ड को जो है वो स्क्रू में, जैक में डालकर खड़ा करते हैं। तो जब हमारा जब एल बन जाता है, उसके बाद फिर चौथा स्टैंडर्ड डालकर उसको चारों तरफ से स्क्वायर करके लेजर लगा कर कप फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम लेवल करते हैं, लेवल बहुत ही जरूरी है। लेवल के हिसाब से ही ऊपर हम काम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा लिफ्ट कंप्लीट हो गया है, बेस लिफ्ट, जो ऊपर भी 2 मीटर पर लेजर और ट्रांजम रख गया। ये आप देख सकते हैं ये टावर कंप्लीट हो गया। इस बोर्ड को डालने के लिए हम ट्रांजम डालते हैं, जिसको HD ट्रांजम बोलते हैं। ये जो होता है ये इसको HD ट्रांजम बोलते हैं। हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर में भी लेजर ट्रांजम डालते हैं। उसके बाद चारों तरफ हम ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस का मतलब मजबूती होता है, और लेवल और प्लम करना दोनों होता है। ये ब्रेसेस होने के बाद फिर से हम उस पर इंटरमीडिएट ट्रांजम डाल देंगे। इंटरमीडिएट ट्रांजम डालने के बाद उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, हम प्लेटफॉर्म डालेंगे, उस पर बोर्ड डालेंगे। बोर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं बोर्ड डालते हैं। बोर्ड डालने के बाद आप लेडर यूज करें। लेडर यूज करने के बाद आप ऊपर जाए, टो बोर्ड, मिड रेल और टॉप रेल लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लेडर लगा के टो बोर्ड, मिड रेल और टॉप रेल और प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, ये वीडियो में बताया गया कि आपको कैसे टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड लगाना है, पंचिंग कैसे होता है। याद रहे आपको स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए। जो उस एरिया में स्कैफोल्डिंग आप बना रहे हैं उस एरिया का बैरिकेशन करा दें। तीसरे नंबर आपके पास मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल का प्लान होना चाहिए। चौथा नंबर आपके पास जो मेन पावर है, मेन पावर का सर्टिफिकेट जो होता है आपका, यानी आपका जो स्कैफोल्डर का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आप जहाँ स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं नियर बाई कोई भी पावर लाइंस या नज़दीक में कोई एक्सवेशन नहीं होना चाहिए, या आप कन्फाइंड स्पेस में बना रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस का आपके पास परमिट होना चाहिए। S2S ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस इंट्री ट्रेनिंग होना चाहिए। हर स्कैफोल्डर का वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले एक फोरमैन सुपरवाइजर को जरूरी है। आप देख सकते हैं रेड टैग जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जैसे आप फाउंडेशन खड़ा करें लगा दें।